Hey, hello my dear children, what are you doing? I know very well you were studying. Okay, so today we are going to explain poem Fireflies from chapter number 4. So don't waste the time and come to the point. In the last session we learn about this, we sing about this poem Fireflies written by Elizabeth Jennings. Okay, so we can repeat it once again. I like the warm dark summer night when fireflies burn their golden light and flit so softly through the air. Now up, now down, now over there. हम लोग इसमें बेटा उस रात की बात कर रहे हैं जो समर रात होती है, जो बहुत समर नाइट होती है, बहुत ही डार्क और वार्म गर्मी भरी होती है. उस टाइम पर जो व्हेन जब फायरफ्लाइज बर्न देयर गोल्डन लाइट, जब फायरफ्लाइज अपने गोल्डन लाइट को जलाते हैं एंड फ्लिट सो सॉफ्टली थ्रू द एयर, और जब एयर के साथ साथ वो सॉफ्टली इधर उधर मूव करते हैं, नाउ अप नाउ डाउन नाउ ओवर देयर, जब कभी ऊपर कभी नीचे इधर उधर ऐसे करके वो जब सॉफ्टली अपने आप मूवमेंट करते हैं और उनकी जो गोल्डन लाइट जलती है जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जुगनू, ठीक है ना, तो वो हम लोगों को कितना अट्रैक्ट करती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है. ये कौन बोल रहे हैं? एलिजाबेथ बोल रहे हैं. ठीक है, दूसरा बेटा. दे स्पार्कल इन माय एप्पल ट्री एंड फ्रॉम द ग्रास दे विंक एट मी and turn their lights on one by one. I think it would be lots of fun if I could shine at evening too, just as the little fireflies do. वे एक एक कर करके मेरे मतलब एक एक पेड़ों पर या जगह जगह जा करके मेरे एप्पल ट्री पर स्पार्कल करते हैं, मतलब चमकते हैं. ठीक है, एंड टर्न देयर लाइट ऑन वन बाय वन, और अपनी लाइट जाकर हर चीज पर जाके मतलब जलाते हैं. आई थिंक इट वुड बी लॉट्स ऑफ फन, मैंने सोचा ये तो बहुत मज़ेदार है. इफ़ आई कुड शाइन एट इवनिंग टू, अगर मैं भी इस तरीके से शाइन कर सकता, जस्ट एज द लिटिल फ्लाइज डू, जैसे कि ये लिटिल फ्लाई ऐसे जैसे ये शाइनिंग कर रही है, बिल्कुल वैसे काश मैं भी शाइन कर सकता. कौन बोल रहा है? राइटर, जो पोइट है हमारे एलिजाबेथ. बट मदर टेल्स मी आई कैन बी अ लिटिल लाइट फॉर ऑल टू सी. लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं भी ये कर सकता हूँ, अ लिटिल लाइट फॉर ऑल टू सी, जो कि सब देखेंगे वो लिटिल लाइट. अ लिटिल कैंडल क्लियर एंड ब्राइट, वो लिटिल कैंडल बहुत क्लियर और ब्राइट है, चमकीली है. कैन बी विदाउट एनी डिफिकल्टीज, मतलब इतनी क्लियर है कि उसको बिना डिफिकल्टीज के हम कर सकते हैं. दैट शाइन्स फॉर जस्ट डे एंड नाइट. ठीक है, तो यहाँ था दैट शाइन्स फॉर जस्ट डे एंड नाइट, जैसे कि जस्ट डे एंड नाइट शाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे हम लोग भी. यहाँ ये कहने का मतलब है जो गॉड होते हैं उन्होंने सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दे रखी होती हैं, वो क्वालिटी सभी लोग उससे स्पार्कल कर सकते हो, उससे अपने ब्राइटनेस दे सकते हो, उस वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी. जैसे उस लिटिल फायरफ्लाइज की क्वालिटी क्या है कि वो अपनी गोल्डन शाइन थोड़ी थोड़ी देर में टर्न ऑन टर्न ऑफ करती है, उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम शो ऑफ कर सकते हैं. ओके बच्चों, अगर आपने हमारी ये वीडियो देख ली है तो आप क्या करना है रोज की तरह, इफ यू हैव टू सीन दिस वीडियो यू मस्ट मेंशन योर नेम ऑन द इन द कमेंट सेक्शन. ओके, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन एंड टुडे योर वर्क. आपका आज होमवर्क बेटा सिर्फ इतना है कि आपको ये पोएम लर्न एंड राइट करनी है, और यही पोएम आपको अपनी बुक में नोटबुक में लिख करके एज अ होमवर्क अपने ग्रुप में सेंड कर देनी है सेपरेटली. ओके बेटा, तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप अपने ग्रुप में कर सकते हो. सो डोंट वरी अबाउट योर स्टडी बिकॉज वी आर हेयर टू कोऑपरेट यू ऑलवेज एंड गाइड यू ऑलवेज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप. So be punctual, be active, and take care all of you.